मोदी जी ठीक है, बस अपना काम चला रहे देश। उन्होंने दुनिया घूम ली लोगों के पैसों से। अच्छा, लोगों के पैसे से दुनिया ऑब्वियसली टैक्स जमा कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं। वो हिंदू कोई कौन ऐसा आदमी है कह दे कि मुसलमानों को जो है ना पैसा नहीं मिल रहा या राहत नहीं मिल रही या मकान के पैसे नहीं मिल रहे या राशन नहीं मिल रहा? सब तो मिल रहा है। सबसे ज्यादा तो अगर आगे रहते हैं तो मुस्लिम लोग देते हैं, मगर उनके दिमाग में घुसी हुई है कि हम मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, इसलिए हमारे फेवर में नहीं है मोदी गवर्नमेंट पूरे। 1000 रुपए से क्या होता है आप बताइए? आज के टाइम में 1000 रुपए से आप क्या ले पाते हो? आजकल एक सूट नहीं आता 1000 में। जनता को अपना कमा के खाना चाहिए। जनता सोचती है फ्री में दे दिए गवर्नमेंट, फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए। डेवलपमेंट, विकास, पुल, रेलों की हालत देखिए। आपने रेलों को देखा है कभी? आप स्टेशन पे खड़े नहीं हो सकते थे, वो याद करिए 10 साल पहले प्लेटफार्म पे खड़े होके क्या दिखता था। और आज ट्रेनों को देखिए, इंटरनेशनल क्वालिटी की ट्रेनें हमारे यहाँ चल रही हैं। तो डेवलपमेंट के लिए टैक्स तो जरूरी है ना। इन्होंने कहाँ किस गर्त में हमारे देश को ले गए थे, 70 साल बनाम 10 साल, इसका फर्क समझिए, इसका फर्क देखिए। क्या नाम होंगे मैम आपका? सोहेला। अच्छा, ये बताइए चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बनाने का इस बार मन बनाया? सरकार तो पब्लिक ही बनाती है। हाँ। शायद इस बार कांग्रेस की आ जाए। कांग्रेस की आ जाए? अच्छा, कांग्रेस अभी 2 साल मतलब 10 साल से ये बीजेपी है, तो चेंज आना जरूरी है। मामा की सरकार है। हाँ। तो क्या लगता है मामा जो योजना दे रहे हैं उसका कुछ फायदा हो रहा है आपको? योजनाएं तो बहुत है, लेकिन फायदा जो लोअर इस तरह के लोग हैं उनको किसी को नहीं हो रहा है। लेकिन कह रहे जो 1000 रुपये मिले लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। 1000 रुपए से क्या होता है आप बताइए? आज के टाइम में 1000 रुपए से आप क्या ले पाते हो? आजकल एक सूट नहीं आता 1000 में। सरकार जो जनता के फेवर में काम करे। मोदी कर रहे हैं क्या उसका? मुझे तो नहीं लग रहा। मोदी के बारे में आप क्या सोचती? मोदी जी ठीक है, बस अपना काम चला रहे देश। उन्होंने दुनिया घूम ली लोगों के पैसों से। अच्छा, लोगों के पैसे से दुनिया? ऑब्वियसली टैक्स जमा कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं। वो आप टैक्स जमा कर रही हैं, वो घूम रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं देश की तरक्की भी तो हो रही है। मोदी ने जो किया है वो कुछ पता ही, क्या तरक्की की? G20 अपने देश में हुआ, आज तक कोई नहीं। G20 से क्या हो गया अपने देश में? क्या बहुत बड़ा काम कर लिया G20 ने? कुछ नहीं किया। मतलब आप आगे भविष्य में कुछ नहीं होने वाला? आप बताओ मुझे क्या किया G20 ने? मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, कुछ नहीं किया। मतलब मुझे तो नहीं लगता एक बहुत बड़ा तीर मारा है G20 ने। लेकिन इतने देश जहाँ पर हम जाने के लिए अपना नंबर लगाते थे, आज वो हमारे घर पे आए हुए हैं। इतने बड़े बड़े देशों के G20 इज इट गुड फॉर इंडिया? बिल्कुल, मुझे लगता है अच्छी बात है। एक ऐसा समिट जहाँ पर सारे लोग आए हों, जो बात हो रही हो विश्व को एक साथ चलाने की, वो हम करके दिखा रहे हैं। वसुदेव कुटुंबकम की जो बात करते हैं वो हम करके दिखा रहे हैं, तो इससे बड़ा उपलब्धि हमारे लिए क्या होगा? आपने G20 पूरा विश्व ने हमें चुना है कि आप हमारा नेतृत्व करिए, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हमें आगे करना क्या है, भविष्य का विश्व कैसा हो, ये हम आगे दिखा रहे हैं। पूरा देश साफ हो रहा है। जब गरीबी खुश नहीं है तो काहे का देश साफ हो रहा है बताइए मुझे? जब गरीब लेवल इंसान खुश नहीं है तो क्यों देश साफ कर रहे हो? कहाँ आप कहाँ की सरकार बना रहे हो? अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी सिर्फ जो अपर लेवल के हैं, मिडिल क्लास और लोअर लेवल के लोगों की तो लगा रखी है उन्होंने लंका, बाकी अपर लेवल के लोग अच्छा काम कर। आप अपर लेवल में आती हैं नीचे? मैं तो मीडियम, हम तो लोअर मिडिल क्लास हैं भाई। गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही है, 70 साल का पुराना ढर्रा धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। 70 साल से पुराना? हाँ। कांग्रेस का राज जो रहा है उसको भरपूर कर, मतलब अभी थोड़ा माहौल सही है पूरे हिंदुस्तान में। कह रहे माहौल तो पूरे हिंदुस्तान में मोदी ने भी खराब कर रखा। नहीं नहीं कुछ नहीं है, कोई खराब नहीं कर रखा है। जिसको नहीं मिली है हमको फ्री में दे जाए मोदी जी, तो हम मोदी के चरणों में पड़ जाएंगे, नहीं तो जो है नहीं पड़ेंगे। जनता को अपना कमा के खाना चाहिए। जनता सोचती है फ्री में दे दिए गवर्नमेंट, फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए। मोदी को गाली देने वाले बहुत बैठे हैं। तो 1000 जो काम करता है उसको गाली पड़ती है। हम समाज में काम करते हैं हमको गाली पड़ती है कि ये आ गए सेठ, ये आ गए सफेद पोश वाले सब। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। मामा से सख्त आदमी चाहिए बस, मुखिया एकदम। हाँ हाँ, योगी जैसा आदमी, योगी की तरह, योगी नेता चाहिए बस। बुलडोजर तो योगी की तरह चला रहे हैं बस। कहाँ चला रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, आतंक माफियाओं पर चल रहा है बुलडोजर। नहीं चल रहा है, मगर फिर भी माफियाओं पे पूरा अंकुश नहीं है अभी। हराने के लिए गठबंधन हुआ है, 26 पार्टियां मिली है। वो सब जिनको खाने नहीं मिल रही था वो सब भूखे प्यासे हैं, सब खाने के लिए नहीं मिल। बिल्कुल बिल्कुल है, 1000%। 2024 में मोदी गए कुछ नहीं, मोदी का कुछ हिला नहीं पा रहा है वो, हिला नहीं पा रहा। हाँ, पहले से ज्यादा पावर में आएंगे। कह रहे हैं मोदी की जो सरकार है ये तानाशाही की सरकार है, तानाशाही करता है। सातों समाज के लिए समर्पित है मोदी सरकार,
सातों समाज के लिए। विशेष सत्र बुला लिया संसद का, पता नहीं क्या बुलाएंगे, बुलाएंगे जो छोटों को जो है कहीं जो घपले करे हुए हैं तो उनके जो है पोल खोलने के लिए दिन में क्या बड़ा कर, अरे क्या कर दे दो भाई, कुछ नहीं, किसी की जायदाद थोड़ी, हमारी जायदाद थोड़ी छीन के ले जाएंगे, हमारी जायदाद छीन के ले। मोदी क्या बड़ा करने वाले हैं, पांच दिन करने चाहिए, करना चाहिए, ऐसा ही आदमी चाहिए। और अगर मोदी जी के टाइम पे कुछ काम नहीं हो पाए तो हिंदुस्तान और गर्त में जाना है। तरक्की करी है, बिल्कुल 1000% तरक्की करी, 1000% दुनिया में, देश में, वर्ल्ड में, सब मोदी 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 चिल्ला रहे हैं, वर्ल्ड वाले हाँ पैर पर चरणों पे पड़ पड़ जा रहे हैं। बस ये है, कुछ शर्म उनकी जो पुराना पावर है उसमें शर्म के कारण वो पैर नहीं छू पा रहे, नहीं तो वो पैरों में पड़े। मोदी सरकार नाम बदल रही है, अब इंडिया को भारत करना चाहिए, भारत थी भारत है, ये पहले सोचना चाहिए था, उनको भी सोचना, क्योंकि वो तो पूरे पूरे दूसरे गांधी परिवार जो है ना, पूरा पूरा जो है वो हिंदुस्तान के फेवर में ही थे, उनको कोई फैसले ही नहीं है। आज फैसले खुल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा फैसले हो गए तो हम अंदर होंगे। क्या लगता है सर, विशेष सत्र संसद का बुला लिया गया, शुरू हो चुका है, क्या कानून आने वाला है, कुछ अंदाजा लग रहा है क्या? नहीं, अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं सबसे, यार पूरे देश में बढ़िया काम कर रहे हैं सबसे, एवं काम व्यापारियों को तो सड़क पर ला, अरे लान दिया, नहीं लाया कोई, नहीं लाया GST लगा दी, GST क्या होता है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा आपको जब कमाओगे तो, उसमें क्या है, दो नंबर का काम बंद कर दिया, हाँ दो नंबर का बंद, नोटों से बंद कर दिए, उससे भी कर दिया, सब दुख हो रहा है, दो नंबर वाले मर रहे हैं, कह रहे अब नाम बदल देंगे, इंडिया की जगह भारत कर देंगे, बताइए नाम बदल, नाम ही बदल दे रहे हैं, भारत ही है पूरे देश में, भारत है पूरे देश में, भारत है, भारत है, इंडिया नहीं चलेगा, हाँ अंग्रेजी नाम था, वर्ल्ड में भारत, वर्ल्ड में भी भारत है, वर्ल्ड में भी भारत है, नहीं नहीं चलेगा। 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गया, गरीब हटा दिया कांग्रेस ने, अब मोदी जी आए, उन्होंने मोदी जी हैं डिलीवर करने वाले, देखो आप फर्क समझो, वादों में और डिलीवरी करने में फर्क होता है। इनके जो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, एक्चुअली ये इंडिया अलायंस नहीं है, इंटरनेशनल डिफाल्टर अलायंस है, ये नाम दे दिया उनका, इंटरनेशनल डिफाइंस सॉरी डिफाल्टर अलायंस ये हैं। 70 साल से इंतजार कर रहे हैं देश में कुछ होगा, हमारे देश का जब प्रधानमंत्री बाहर जाता था तो हमें आने के बाद पता पड़ता था कि ये आ गए हैं, दूरदर्शन पे एक छोटी सी न्यूज़ आती थी। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जाने से 10 दिन पहले हमें मालूम होता है कि वो जा रहे हैं, वो कितना भव्य स्वागत, और देश का जो नाम ऊपर किया है, देश का नाम ऊपर कर दिया मोदी, देश को जो मान दिलाया है उस मान की हमें गरिमा रखनी चाहिए। और इन्होंने कहाँ किस गर्त में हमारे देश को ले गए थे, 70 साल बनाम 10 साल, इसका फर्क समझिए, इसका फर्क देखिए, जो जितनी भी जी सर, बात तो ये हो रही कि गरीब परेशान है, उधर व्यापारी परेशान है, व्यापारियों पे GST थोप दिया ये मोदी सरकार, तानाशाही वाली सरकार, ये तो अनपढ़ लोग जैसी, आप तो पत्रकार हो, आप ये बात मत करो कि GST थोप दिया, किसी भी देश की इकोनॉमी बिना टैक्स के चलती है क्या? सरकार कहाँ जमीन में से खोद के पैसा लाएगी क्या? डेवलपमेंट, विकास, पुल, रेलों की हालत देखिए, आपने रेलों को देखा है कभी? आप स्टेशन पे खड़े नहीं हो सकते थे, वो याद करिए 10 साल पहले प्लेटफार्म पे खड़े होके क्या दिखता था, और आज ट्रेनों को देखिए, इंटरनेशनल क्वालिटी की ट्रेनें हमारे यहाँ चल रही हैं, तो डेवलपमेंट के लिए टैक्स तो जरूरी है ना, टैक्स जरूरी है। अच्छा मोदी जी कह रहे हैं कि यही लोकतंत्र है कि रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला संसद पहुंच गया, लेकिन विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र देश में खतरे में है। देखिए उनके लिए लोकतंत्र कब खतरे में होता है मालूम है? जब वे स्वयं खतरे में होते हैं, जब उनके भ्रष्टाचार खुलते हैं तब वो खतरे में होते हैं। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब है हमारी राजनीतिक पार्टी, हमारी राजनीतिक पार्टी पे कोई आक्षेप नहीं लगे, खतरे में नहीं आए तो लोकतंत्र बहाल है, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में। पहले उनको लोकतंत्र का मतलब समझना चाहिए कि लोकतंत्र होता क्या है, समझना। अभी बाप आ गया है इसलिए संगठित हो रहे हैं सब, अब इनको कोई इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, इनकी सारी व्यवस्था हिंदुस्तान की तरह कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पावर में। यार आने वाले कह दिया मोदी ने, आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था होगी हिंदुस्तान। तो गठबंधन का मध्य प्रदेश में क्या वजूद नजर आता है? नहीं है, कोई वजूद नहीं है, ना रहेगा। अभी तो भूल जाओ, मोदी जी को भगवान और भी बरसों
उम्र उनके बढ़ाए ताकि वो पूरी व्यवस्थाएं सब समाप्त करके चले आए। क्या लगता है गठबंधन मध्य प्रदेश में आके हवा निकाल देगा क्या भाजपा की? नहीं, मध्य प्रदेश में गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तो केवल नहीं, यहाँ पे इसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पे ना कोई दूसरी पार्टियां, यहाँ तो केवल कांग्रेस और बीजेपी में फाइट होती है मध्य प्रदेश के अंदर सीधी सीधी। इसके अलावा यहाँ पे किसी और राजनीतिक दल का कोई वर्चस्व नहीं है। कोई वर्चस्व नहीं है। लेकिन जो माहौल रैली बनाने करने वाले थे, बनने कह रहे थे कि यहीं से शुरुआत करते हैं और मोदी को भी हराएंगे और मामा को भी हराएंगे, इसलिए तो रैली कैंसिल हो गई, क्योंकि कोई वर्चस्व नहीं है ना, तो इसलिए रैली कैंसिल हो गई। वो तो कांग्रेस की हिम्मत ही नहीं हो रही यहाँ पे रैली करने की, गठबंधन की। कांग्रेस की हिम्मत नहीं है क्या मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की? पता नहीं भाई साहब कौन बना रहा है सरकार, ये बताइए। पता नहीं भाई साहब, ये भी नहीं मालूम। चुनाव नजदीक है, वोट करने वाले होंगे, आने वाला भोपाल नए आए हैं। अच्छा, मोदी की सरकार कैसी है फिर? बढ़िया सरकार है। वापसी कर रहे हैं मतलब? हाँ, वापसी करेंगे। अंकल जी आपका? भागी शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लगता है क्या माहौल है चुनाव का? पार्टियां इधर उधर हो रही हैं, कोई कह रहा हम आ रहे हैं, कोई कह रहा हम आ रहे हैं, जनता किसको लाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को। क्यों उनको, क्यों कांग्रेस क्यों नहीं? काम अच्छे हैं। हाँ, कांग्रेस काम अच्छे नजर, कांग्रेस माहौल अच्छा है। माहौल भी अच्छा है, गठबंधन भी तो हुआ है मोदी को हराने के लिए। गुंडाबंदी खत्म हुई, गठबंधन अपने आप टूट जाएगा। वो तो टूट जाएगा। ओके सर, दिलीप गुप्ता। गुप्ता जी, सरकार किसकी बनवा रहे हैं पहला तो सवाल यही है मेरा। भारतीय जनता पार्टी। बड़े जोश में कह रहे हैं, क्या बात है एकदम। क्योंकि काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। जी हाँ, क्या काम चल रहा है? सब जगह विकास ही विकास हो रहा है। उधर कह रहे हैं 9.5 साल में मोदी जी ने विकास नहीं किया, इधर मामा ने विकास नहीं। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, कहने से क्या हो रहा है? दिख रहा है, देश विदेश में दिख रहा है, अपने को नहीं दिख रहा, विदेशों को दिख रहा है। तो हमको क्यों नहीं दिख रहा? गठबंधन को नहीं दिख रहा है क्या? गठबंधन को दिख रहा होता तो वो तो अभी तक गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? अरे मोदी को हराना इसलिए गठबंधन बना रहा है। मोदी को हराने वाले तो सब खुद ही हार के घर बैठेंगे। इस बार मोदी भी गए, मामा भी गए, दोनों आएंगे और छपके आएंगे। ऐसे आएंगे। ये क्या होता है ऐसे आएंगे? प्रिंट पे आएंगे। सरकार बना रहे मतलब? बिल्कुल बनाएंगे। विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। सभी लोग रोजगार पे लगे, कहाँ बेरोजगारी है? हर आदमी काम पे लगा। सिलेंडर देखो कितना महंगा। सिलेंडर से क्या होता है? जहाँ विकास होता है वहाँ सिलेंडर महंगा होगा थोड़ा बहुत। सिलेंडर से कुछ नहीं होता क्या? सिलेंडर महंगा हुआ तो बाकी चीजें भी तो बढ़ी हैं। बाकी चीजें भी बढ़ी नहीं बढ़ी हैं? जिसकी तनख्वाह 8,000 रुपए दी उसकी तनख्वाह 16,000 रुपए आज। ये तुलना नहीं करी जाएगी क्या? तो क्या लगता है क्या मुद्दा रहने वाला इस बार? जनता किसको ला रही है? मामा भी हैं, कमलनाथ जी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की जी। गठबंधन हुआ है मोदी को हराने के लिए। गठबंधन हुआ है क्यों हुआ है? सिर्फ मोदी को हराने के लिए ना। क्योंकि मोदी विकास करेंगे, विकास करेंगे, हमारी सरकार बनवाओ हम विकास करेंगे। 10 साल मनमोहन जी के साथ थे ना, विकास करा क्या? ये ऊंचाइयां पाई, ये विकास हुआ, ये देश को प्रतिनिधित्व मिला वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर। ये प्रतिनिधित्व मोदी जी के आने के बाद ही क्यों मिला? ये आपके हाथ में 10 साल थे, आपने भी शासन करा 10 साल, उस समय परिस्थितियाँ क्या थी और आज हमारे देश की परिस्थिति क्या है? मध्य प्रदेश की जनता को क्या लगता है मोदी और मामा की जोड़ी कामयाब है मतलब इस बार? बिल्कुल कामयाब है साहब, आप और हम, ये पूरी जनता जनार्दन जानती है। और काम करा है इसलिए। काम हुआ है क्या भैया? भाई साहब काम तो हुआ है, विकास भी हुआ है, पर योगी मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास हुआ है। अभी तक विकास हुआ भी नहीं था, इतने सालों से सरकारें रही। अभी विकास आप देखिए, हर चीज में विकास, तरक्की कर रहा है देश, कहाँ पिछड़ रहे हैं हम? तरक्की हो रही है। महंगाई पहले भी थी, आज भी है, ये नहीं देख रहा है आप? क्या प्रॉपर्टी पहले 1,000 रुपये में खरीदी प्रॉपर्टी, आज 10 लाख की बेच रहा हूँ, ये महंगाई नहीं है क्या? उसको फिर 10 लाख में बेचो प्रॉपर्टी को।